हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द फिशेस दिल टॉक अबाउट देयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लिटिल विद अबाउट देयर इंट्रोडक्शन द फिशेस फिशेस आर द एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स एक्वेटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं और वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनकी बॉडी में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम होता है तो फिर से जो है वो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं वर्टिबल कॉलम का फंक्शन ये होता है कि इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइड फॉर द मसल्स इट सपोर्ट्स द ट्रंक एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड फिर जो है ये एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं फर्स्ट ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में वर्टिबल कॉलम भी है रीढ़ की हड्डी भी है इसके साथ साथ जो है ये सक्सेसफुली वाटर में भी अडेप्ट करते हैं तो अगर इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम होती है दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पेशन दे हैव फिन फॉर द लोकोमोशन एंड मैनी मोर की बात की जाए तो उनमें आती हैंग मिलियन ईयर्स अगो पहले मिले थे ठीक है आ, जो प्रिमेटिव जो ग्रुप्स जो थे वो दो बनाए गए थे फिशिज के सुपर क्लास ए गैथा और सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा जो सुपर क्लास ए गैथा है इसमें जितने भी मेम्बर्स आएंगे उन सबको हम कहेंगे ए गैथंस ठीक है ए मीन एबसेंट गैथम इन जॉज एंड अपडिजीज यानी कि इनमें जो जॉज और पेयर्ड अपेंडिज होंगे वो एबसेंट होंगे एज कम्पेयर टू तो द सुपर क्लास तो ये रिवर्स होगा दे हैव जॉज एंड पेयर्ड अपेंडिजिज ठीक है तो जो एग्नेथन्स हैं इनमें हमारे पास आते हैं ऑस्ट्रैकोडम्स जो कि सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कोई भी इनकी लिविंग स्पीशीज नहीं बाकी रही बाकी और आते हैं हैंज और हैग फिशीज ठीक है और सुपर क्लास ग्नेथस्टोमेटा में हमारे पास जो है आते हैं कॉन्ड्रिक थीज और ओस्टिक थीज जो दो क्लासेस हैं कॉन्ड्रिक थीज जो है इनको कार्टिलेजीनस फिशेज भी कहते हैं यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, जो है, है।, जो है इनका जो स्केल्टन होता है वो मोस्टली कार्टिलेज का बना होता है तो इनको कार्टिलेजीनस फिश भी कहते हैं और ओस्टिक थीज होती है इनका जो स्केल्टन होता है वो मोस्टली इट कम्प्राइजेज बोन बोनी सो दैट्स वाई दे आर आल्सो नाउन एज ओस्टिक थीस और बोनी फिश अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम प्रीमेटि फिशेस देखते हैं यानी जैसे कि ये हैग फिशेस हैं इनको अगर हम देखें तो इनकी बॉडी ना ही इनमें प्योरपेटिजीज़ हैं ना ही इनमें फिंग्स हैं ना इनकी बॉडी स्टीम लाइंड है ठीक है तो बड़ी सिंपल सी बॉडी है तो इनमें कौन सी ऐसी अडेप्टशन जो हैं वो आई हैं ऐसे करेक्टिस इनकी बॉडी में आए जिसकी वजह से इन्होंने सक्सेसफुली खुद को जो है वो वाटर में अडेप्ट कर लिया तो ऐसी कौन सी अडेप्टेस हैं जो कि इनको रिक्वायर्ड हुई फॉर द सक्सेसफुल हैबिटेट ऑफ वाटर ठीक है फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन वाटर तो इनमें इनमें जो है वो ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्वाटिक यानी कि जो पानी है एक डेंस मीडियम है एक्वाटिक डेंस मीडियम में मूव कर सके अब स्टूडेंट्स दो मीडियम है एयर और एक्वाटिक मीडियम एयर का मीडियम जो है वो लाइटर होता है एज कंपेयर टू द वाटर मीडियम वाटर का मीडियम जो है वो डेंस होता है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि अगर आप जो है वो साहिल समुंदर में बीच में अगर आप वॉक कर रहे हो बीच पे तो वॉक करते करते जैसे ही आप जो है वो डीप जाना जाते जाते हो डीप जाते हो तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस फील होती है हमें जो है ना वो इजीली हम आगे मूव नहीं कर पाते हमें बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है बड़ा जो है वो एक जोर लगाना पड़ता है पुश करना पड़ता है कि हम जो है वो वाटर में मूव कर सकें लेकिन हम इतने इजीली मूव नहीं कर सकते इट मींस कि वाटर का जो मीडियम है वो रजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है डेंस होता है अब फिशेज़ की बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी जो है वो करैक्ट्रिस्टिक्स हैं या इनमें कौन सी एबिलिटी आई कि इन्होंने एक्वाटिक जैसे डेंस मीडियम में खुद को अडेप्ट कर लिया तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ ऐसी चेंजिंग्स होंगी ठीक है उसमें हमने देखा कि इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अपनी बॉडी में चेंजिंग्स लाई और ऐसे करैक्टिस्टिक्स लाए जिससे ये वाटर में अडेप्ट हो गया तो इसमें क्या था कि बॉडी जो है उनकी स्ट्रीम होगी जो कि जिसकी वजह से इनको जो है वो कम रजिस्टेंस का सामना करना पड़ा इसके अलावा इनकी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए थे वाटर में अडेप्ट के लिए कि जो कि वाटर के साथ जो है वो आ, क्या कर सकें और गैसेस जो है वो एक्सचेंज कर सकें स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है ठीक है तो अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो कैसे जिंदा रहेंगे इसी तरह से वाटर में जो है फिशीज हैं इनके बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं वाटर के साथ वाटर में डिजोल्व गैसेज लेते हैं और जो है ये रिस्पायर करते हैं सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये रेगुलेट करते हैं बेउनसी स्टूडेंट्स बेउनसी क्या होता है द एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द सर्फिस ऑफ अ लिक्विड और अ फ्लोइड ठीक है वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करने की अबिलिटी इसको हम कहते हैं बेउन्सी यानी कि ये उत, मतलब ये जो हैं ये कैसे वर्टिकल अपनी पोजीशन जो है वाटर में मेंटेन करती हैं ये डूबती क्यों नहीं ठीक है सिंक क्यों नहीं करती तो ये इनकी सिंक ना करने की प्रॉपर्टी जो है खुद को फ्लोट ही रखते हैं ये स्विम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम बेउनसी कहते हैं जो पानी ये उछाल पैदा करते हैं पानी में तो इनके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे स्विम ब्लैडर करते हैं जो कि ब्यौन्सी रेगुलेशन करने में हेल्पफुल इसके अलावा इनकी बॉडी में ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर्स ऐसे फिन होना चाहिए कि ये जो है इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट कर सकें ठीक है और जो है वो आयंस वगैरह को रेगुलेट करने का भी कोई इनमें मेकनिजम होना चाहिए स्टूडेंट्स फिशिज जो हैं हमें पता है ये वाटर में रहती हैं और वाटर जो है वो एक्वाटिक वाटर में हमारे पास फ्रेश वाटर भी आता है और जो है मरीन वाटर भी आता है हम जानते हैं कि जो मरीन वाटर होता है वो कंसनट्रेट होता है उसमें साल्स ज़्यादा होते हैं जबकि जो फ्रेश वाटर होता है वो डाइल्यूट होता है उसमें लेस कंसनट्रेट वो लेस कन्सनट्रेटेड होता है और साल्स कम होते हैं रिलेटिव टू द मेरीन इन्वायरमेंट तो इस इस तरह से जो है ना वो अगर ऐसी फिश जो कि फ्रेश वाटर में रह रही है और उनको मरीन का सामना करना पड़ रहा है फ्रेश जो है वो चेंज हो गया मरीन में यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो साल से एडअप हो गए हैं तो फिश के अंदर ऐसा मकानिज़म होना चाहिए कि वो उस इन्वायरमेंट को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जो उनमें आयन जाए उसको रेगुलेट कर सकें और सर्वाइव कर सकें इसके साथ साथ नेक्स्ट करैक्टर है कि वो वाटर में रिप्रोडक्शन वाले मकानिज्म को मेन्टेन कर सकें वाटर में कैसे रिप्रोड्यूस कर सकें स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स uh, को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो है वो रिप्रोड्यूस करना पड़ता है ठीक है बायो में सर्वाइवल का मतलब ही रिप्रोडक्शन होता है तो ये वाटर में रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने जब वो आगे ऑफस्प्रिंग्स स्प्रिंगस भी आ, उनको जो है वो आ, उनका नंबर इंक्रीज करेंगे और फिर आगे से इनकी नस्ल जो है वो चलती रहेगी तो रिप्रोडक्शन भी है इनको वाटर में कैसे जो है वो इसके अकॉर्डिंग भी जो है उन्होंने खुद में अडेप्टेस लाइं स्टूडेंट्स अगर हम अडेप्टिव रेडिएशन के फिनोमिना की बात करें करें तो ये क्या है इट इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टू मैनी फॉर्म्स फॉर फिलिंग डिफरेंट इकोलॉजिकल निशीज अडेप्टिव रेडिएशन इस फिनोमिना को स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रहा है ठीक है वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट है लेकिन कुछ इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनको जो है वो उनको शिफ्ट होना पड़ा मेरीन uh, इन्वायरमेंट में यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि बहुत कंसनट्रेटिड है हालांकि रहते वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में है अब वो सेम जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर ऐसी चेंजिंग ऐसे करैक्टर्स लाएगा ऐसी अडेप्टस लाएगा कि वो मरीन इन्वायरमेंट को विद स्टैंड कर सके ठीक है तो उस ये जो चेंजिंग्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम किस वजह से डिफरेंट इकोलॉजिकल निश्च यानी कि उनकी अब निस चेंज हो गई है उनका इन्वायरमेंट चेंज हो गया पहले फ्रेश वाटर था अब कौन सा अब मेरीन हो गया तो ये जो चेंजिंग्स आती हैं उनमें इस चेंजिंग्स आने की वजह से वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट काइंड में तब्दील हो जाती हैं तो यानी कि डाइवर्सिफाई हो जाती हैं तो इस फिना को ये जो चेंजिंग्स आती हैं इसको हम कहते हैं अडेप्टिव रेडियशंस तो डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेज में फिट होने के लिए उनको फिल करने के लिए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब डिफरेंट फॉर्म्स में डाइवर्सिफाई होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ऐसे फिनमिना को कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन स्टूडेंट्स यही अडेप्टिव रेडिएशन थी जो कि फ़िशिज़ के इंसेस्टर्स में आई यानी कि फिशिज़ के इंसेस्टर जो थे उन्होंने वो इवॉल्व हुए उनका जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स था वो डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट जो है वो काइंड्स में डाइवर्सिफाई हुए फॉर कंपनसेटिंग डिफरेंट इकोलॉजिकल नशीज़ डिफरेंट नशीज़ में फिट होने के लिए उन्होंने किया क्या जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में आए हो सकता है वो पहले एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ना रहते हों या फिर पार्शली रहते हों ठीक है तो क्या हो वाकई जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में आने के लिए उन्होंने खुद में जो है वो चेंजिंग लाईं तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट फार्म में चेंज हो गए तो इसके रिजल्ट में आज जो है वो फिशिज आ गई ठीक है अब ऐसे ही फिशिज में चेंजिंग आई फिश में डेप्टिव रेडिएशन आई फिर का एक ग्रुप जो है उसमें चेंजिंग्स आईं वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट काइंडस में चेंज हुआ तो उसने क्या दिया जो है वो ट्रेस्टिक ट्रेस्टियल बॉडीप्रेस दिए ठीक है एम्फीबियंस दिए इसी तरह एम्पीबियंस में डाटिव रेडिएशन आई वो डाइवर्स हुआ डिफरेंट काइंड में तो उन्होंने रेप्टाइल्स दिए सिमिलरली बर्ड्स और मैमल्स तो so, स्टूडेंट्स ये था अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में आई होप आपको समझ आ चुकी होगी uh, आज का लेक्चर था फिशिज के बारे में इनके इनके कॉन्सेप्ट के बारे में फिशिज होती कि हाउ दे हैव अडेप्टैम सक्सेसफुली इन द वॉटर इनकी अडेप्टशन देखी और लास्ट में हमने देखा कि अडेप्टिव रेडिएशन का फिनोमिना कैसे होता है सो स्टूडेंट्स इफ इफ यू यू एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो एज इन्फॉर्मेटिव दैन डो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट थैंक यू